हाय, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में हमने नाउन कंप्लीट कर लिया है, और जिन लोगों को नाउन समझ नहीं आया है या नाउन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, और जिसको नहीं समझ आ रहा तो बार बार वीडियो रिकॉर्ड करके या रिपीट करके आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और नाउन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो पार्ट ऑफ स्पीच करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं लोगों का जो है राइटिंग स्किल बिल्कुल ख़राब होता है। जब तक आपका राइटिंग स्किल इंप्रूव नहीं होगा तो आप इंग्लिश कैसे बोल पाओगे? आपको जब लिखना नहीं आएंगे तो बोलना भी नहीं आएगा। तो राइटिंग स्किल पहले आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, देन यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली आप इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोनाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट है। प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, इस टॉपिक को भी आपने बिल्कुल समझ के करना है, और कॉपी पेन साथ में रखिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, प्रोनाउन आखिर होता क्या है। प्रोनाउंस का मतलब क्या है, देखिए ये जो बना है नाम, ये नाउन से ही बना है, बट इसके पहले क्या लगा है, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है कि प्रोनाउन करना क्यों ज़रूरी है, प्रोनाउन क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम बोलते हैं रीप्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसको एक बार डिफाइन करते हैं, देखिए रीप्लेस ऑफ नाउन, रीप्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है, बहुत ही सिंपल है, रिप्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन की जगह में रिप्लेस करते हैं, यानी कि जो नाउन की जगह में आप किसी को रखते हैं वो हमारा प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन करना क्यों ज़रूरी है, प्रोनाउन करना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम स्टोरी लिखते हैं, आप कई बार स्टोरी लिखते होंगे, क्या आपने कभी देखा है कि हर बार रिपीट, नाउन बार बार रिपीट होता है। जैसे मैंने लिखा स्टोरी, देखो कोई भी स्टोरी ले लो, कोई भी मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ, राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, राम हैज अ कार, राम हैज टू सिस्टर्स, राम इज वेरी काइंड पर्सन, जो भी हमने लिख दिया पैराग्राफ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, राम रिपीट हो रहा है। अगर आप इस चीज़ को ऐसे लिखोगे बार बार तो आपका इस इंग्लिश क्या माना जाएगा, राइटिंग में, राइटिंग स्किल जब आपका होता है तो इसमें आपका क्या माना जाएगा, ये एरर माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि हम कभी भी कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं या फिर कोई स्टोरी लिखते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। इसी को हम कहते हैं जो, यानी कि प्रोनाउन का यूज़ क्या होता है, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रोनाउन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोनाउन का मेन रोल क्या है यहाँ पे, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो हमने नाउन की जगह में क्या यूज़ करना है, कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है। अगर यहाँ पर राम है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अगर यहाँ पर राम नहीं है, अगर आपको मैंने हटा दिया यहाँ पर राम, तो यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, वो सब आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रोनाउन को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे इसे, तब जाके आपको समझ आएगा, ठीक है। तो समझ आएगी ना कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन का यूज़ क्यों होता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोनाउन करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं राम की रिपीटेशन को रोकना है, अब मुझे पता है मेरे प्रोनाउन मैंने किया है, ठीक है, मुझे पता है। अब जिन लोगों को पता है वो तो यहाँ पर लिख देंगे, ही हैज़ ही इज़, ठीक है, यानी कि ही लिख दे, तो यानी कि क्या है, राम का यहाँ पे रिप्लेस किसको कर रहे हैं, राम को ही से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमने पता होना चाहिए कि यहाँ पे ही क्यों लगा है, राम के जगह में आई भी हो सकता था, वी यू दे भी हो सकता था, यहाँ पे ही का यूज़ क्यों हुआ है। तो इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, ये तब आपको तभी समझ आएगा जब हम प्रोनाउन को बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले इसे इरेज कर दूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वीडियो पे बने रहिए। प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या बोलता है, प्रोनाउन का डेफिनेशन बोलता है कि रिप्लेस ऑफ नाउन, या फिर टेक प्लेस ऑफ नाउन भी हम बोल सकते हैं, इसके जगह में आप और भी ले सकते हैं, यहाँ पर टेक प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि आप चाहे तो इसके बदले में ये भी लिख सकते हैं, टेक प्लेस ऑफ नाउन भी लिख सकते हैं, रिप्लेस ऑफ नाउन, तो आपका दोनों डेफिनेशन आपका क्या होगा, सही माना जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल है इसका आई वी यू दे ही शी इट दिस दैट, ये सारे आपके क्या है, प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन,
प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला टाइप्स हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे, सेकंड हम पढ़ेंगे पोजेसिव पढ़ेंगे, थर्ड हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे, फोर्थ हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ेंगे, फिफ्थ हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव पढ़ेंगे और लास्ट हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो यानी कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर ओनली सिक्स टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे, पोजेसिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन। यानी कि यहाँ पे टोटल कितने प्रोनाउन होते हैं टाइप्स, इसके टोटल छः टाइप्स होते हैं और ये छः के छः जो टाइप्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपको जो है राइटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपको ये समझ आ गया प्रोनाउन के बारे में, आपको पता चल गया नाम तो आपको पता चल गया है ना। जब भी किसी का नाम आ जाता है, किसी पर्सन प्लेस एनिमल थिंग्स का नाम आता है उसे हम नाउन कहते हैं। बट अब नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर हमें प्रोनाउन चाहिए, और इसके बिना आपका राइटिंग स्किल कभी इंप्रूव नहीं होगा। तो प्रोनाउन को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम अभी यहीं तक पढ़ेंगे। आज का हमने क्या पढ़ा, प्रोनाउन का डेफिनेशन पढ़ा और इसके हमने कुछ टाइप्स पढ़े हैं, और इसे जो हम नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं बहुत ही छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझने में इजी हो जाए, आपको बोरिंग ना हो क्लास, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि बहुत लंबा है, कई बार हम टाइम नोट करते हैं यार कितना बड़ा है, हम टाइम को देखिए हम इंसान क्या बोलते हैं पागल हो जाते हैं यार इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा। बट आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट यूर टाइम बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। सो यू हैव टू वॉच माई वीडियो एवरी डे एवरी टाइम एंड लाइक कमेंट शेयर एज यू विश। आपकी मर्जी है, लाइक करना है करना, नहीं करना मर्जी है, बट इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश सीखते रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे देखते रहिए, बार बार समझिए, और इसके बाद जो मैं कल लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आगेगा। तब तक के लिए जय हिंद।